उस मजमून में अगर कुछ अलग से कहा गया हो आसिम सर कि देख लेता वो अगर झील सी आंखें तेरी, देख लेता वो अगर झील सी आंखें तेरी, अपनी गहराई पे शर्मिंदा समुंदर होता। बहुत अगर झील सी आंखें तेरी, अपनी गहराई पे शर्मिंदा समुंदर होता। और आखिरी शेर इस कड़ी का कि जिसमें ये जो 21वीं सदी में जो रिश्ते का जो तनाजा है वो देखें कि जिसमें रहता हूँ मैं वो घर तो मेरा है लेकिन, जिसमें रहता हूँ मैं वो घर तो मेरा है लेकिन काश रहने के लिए घर की तरह घर होता। जिसमें रहता हूँ मैं वो, जिसमें रहता हूँ मैं वो घर तो मेरा है लेकिन काश रहने के लिए घर की तरह घर होता। और दो शेर और देखें कि दामन वफा का उसने कुशादा नहीं किया, दामन वफा का उसने कुशादा नहीं किया, हमने भी उसको प्यार ज्यादा नहीं किया। कुशादा फैलाना आप जानते हैं कि दामन वफा का उसने कुशादा नहीं किया, हमने भी उसको प्यार ज्यादा नहीं किया। और हम खानकाह वालों ने गंदे ख्याल से, हम खानकाह वालों ने गंदे ख्याल से गंदा कभी भी दिल का लिबादा नहीं किया। हमारी ये जो शुरुआत हो रही है, हालांकि नया साल गए काफी दिन हो गया, लेकिन हमारी जो शुरुआत हो रही है वो नए साल में हो रही है। मैं अपने तरीके से ये मानती हूँ, फरवरी भले ही गुजरने को है लेकिन नया वर्ष तो बस शुरू ही हुआ है। और पिछला साल जिस तरह से बीता था, इसने जितने जख्म दिए थे हमें, हम ये उम्मीद करते हैं कि नया जो साल है वो हमारे लिए कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छी सौगातें लेकर के आए हैं। तो मेरी एक छोटी सी कविता है, नव वर्ष 2022, मैं उसी से शुरुआत करती हूँ। आंखों की कोरों से आंसू सा बिछल गया, आंखों की कोरों से आंसू सा बिछल गया, उंगली की फांक से पानी सा फिसल गया, गया जी साल यह कैसे भी निकल गया, कैसे भी निकल गया। कुछ मसले हल हुए और उलझने सुलझ गई, कुछ मसले हल हुए और उलझने सुलझ गई, लेकिन कुछ सपनों की तो बगिया झुलस गई, लेकिन कुछ सपनों की तो बगिया झुलस गई, घायल तन मन के फोड़े सा ही टीस गया, घायल तन मन के फोड़े सा ही टीस गया, जैसा भी था साल दोस्त अब तो निकल गया, अब तो निकल गया। उम्मीदों और सपनों की थामे एक डोर, उम्मीदों और सपनों की थामे एक डोर, साल नया लाएगा जीवन में नई भोर, साल नया लाएगा जीवन में नई भोर, कोयल की कूक सारी सभी को लुभा गया, बिसर जाओ बीते को नया साल भाग गया, नया साल भाग गया, बिसर जाओ बीते को नया साल भाग गया। इसके बाद मैं विभिन्न मौजुओं पर कविता रखने की कोशिश कर रही हूँ। इसके बाद जो कविता है उसका शीर्षक है वसंत। वसंत का मौसम, फागुन का मौसम चल रहा है और हम सबके मन जो है वो उस फागुनी हवा में डूब जाता है मन हमारा। तो वसंत पर एक छोटी सी कविता। मखमली धूप हुई नटखट हवा, मखमली धूप हुई नटखट हवा, आया वसंत मन बागरा हुआ, आया वसंत मन बागरा हुआ, अखियों में लगा सपनों का डेरा, बगिया में हो कोयल का फेरा, अखियों में लगा सपनों का डेरा, बगिया में हो कोयल का फेरा, यादों ने बरबस दिल को छुआ, आया वसंत मन बावरा हुआ, आया वसंत बावरा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हवा में घुलती मीठी उदासी, मिठास भी है और उदासी भी है, हवा में घुलती मीठी उदासी, कोयलिया बोले मिश्री ताशी, कोयलिया बोले मिश्री ताशी,
महुआ महक ने जी को छू लिया, महुआ महक ने जी को छू लिया, आया वसंत मन बावरा हुआ। बाग में झरते पत्तों का शोर, शुक्रिया, बाग में झरते पत्तों का शोर, मन में उमगते सपनों का रोर, मन में उमगते सपनों का रोर, बीती रात सुखद सवेरा हुआ, आया वसंत मन बावरा हुआ, आया वसंत मन बावरा। फागुनी रंग रंगा जहान है, फागुनी रंग रंगा जहान है, प्रकृति ताने मोहक वितान है, प्रकृति ताने मोहक वितान है, गांव शहर गूंजे गीत की तान, गांव शहर गूंजे गीत की तान, सोहे अधर पे मधुर मुस्कान, सोहे अधर पे मधुर मुस्कान, हसी ठिठोली का बसेरा हुआ, आया वसंत मन बावरा। ये भी आज के माहौल पर है, इसका शीर्षक है देश सेवा। आजकल हम बड़ा राष्ट्र प्रेम की बातें करते हैं और देश की सेवा पर सब कुछ न्योछावर करने को तैयार रहते हैं, तो देश सेवा कैसे हो रही है? खेती किसानी चौपट हुई ऐसा बना कानून, खेती किसानी चौपट हुई ऐसा बना कानून, राजा जी के राम राज में रोटी मिले न नून, राजा जी के राम राज में रोटी मिले न नून, रोटी मिले न नून भैया कहो हम कैसे बचे, रोटी मिले न नून भैया कहो हम कैसे बचे, फाका करके मर जाए या जीवन की आस तजे, या जीवन की आस तजे, तड़प तड़प हम मर जाएंगे कम हो देश का भार, तड़प तड़प हम मर जाएंगे कम हो देश का भार, हमारी मुर्दा देह का भी करोगे कारोबार, हमारी मुर्दा देह का भी करोगे कारोबार, करोगे कारोबार केवल भरे तुम्हारा ही घर, करोगे कारोबार केवल भरे तुम्हारा ही घर, खून चूस कर जनता का तुम बनाओगे स्वनिर्भर, खून चूस कर जनता का तुम बनाओगे स्वनिर्भर, आंखों का पानी बेच चुके अभी बेच रहे देश, आंखों का पानी बेच चुके अभी बेच रहे देश, जनता को भरमाते साहब रोज बदल कर वेश, साहब रोज बदल कर वेश, जनता को भरमाते साहब रोज बदल कर वेश, देश बेचकर भाषण देकर खुद पे इतराओगे, देश बेचकर भाषण देकर खुद पे इतराओगे, मासूम पर तोप चलाकर तुम भी पछताओगे, तुम भी पछताओगे, जिनका उपजाया खाते हो उन्हीं को धमकाते, जिनका उपजाया खाते हो उन्हीं को धमकाते, जनता के आहों से बाबू अपनी नजर बचाते, बाबू अपनी नजर बचाते, झूठे भाषण और आश्वासन यही तुम्हारा काम, झूठे भाषण और आश्वासन यही तुम्हारा काम, ग्राम देवता भूल गए तुम भजते केवल राम, ग्राम देवता भूल गए तुम भज रहे केवल राम, भज रहे केवल राम साहब उसी से पेट चलता, भज रहे केवल राम साहब उसी से पेट चलता, साथी तुम्हारे फूले फले उनका सिक्का चलता, साथी तुम्हारे फूले फले उनका सिक्का चलता, घायल तन मन लेकर साहब जो बैठे धरने पर, घायल तन मन लेकर साहब जो बैठे धरने पर, तुम्हें भला परवाह क्यों होगी उनके यूं मरने पर, तुम्हें भला परवाह क्यों होगी उनके यूं मरने पर, मर जाएंगे सभी अगर जो आखिर क्या खाओगे, मर जाएंगे सभी अगर जो आखिर क्या खाओगे, पेट भरेगा भाषण से ही या कोट चबाओगे, पेट भरेगा भाषण से ही या कोट चबाओगे, कोट पहनकर गाल बजाकर निशदिन लीला करते हो, कोट पहनकर गाल बजाकर निशदिन लीला करते हो, देश बेचकर खाते बाबू सेवा का दम भरते, देश बेचकर खाते बाबू सेवा का दम भरते। बहुत बहुत शुक्रिया आपने सुना, गर्व का अनुभव हुआ और उम्मीद है दोबारा मुलाकात होगी किसी न किसी महफिल। शुक्रिया। वो यूं भी किया करते हैं तस्वीर हमारी, डीपी पे लगा लेते हैं तस्वीर हमारी, वो यूं भी किया करते हैं तस्वीर हमारी, डीपी पे लगा लेते हैं तस्वीर हमारी, अब कैसे मिलाओगे
जमाने से निगाहें। अब कैसे मिलाओगे जमाने से निगाहें, तुम हार गए लेके भी शमशीर हमारी। तुम हार गए लेके भी शमशीर। अब कैसे मिलाओगे जमाने से निगाहें, तुम हार गए लेके भी शमशीर हमारी। वो लूट तो सकता है कमाई हुई दौलत। असीम भाई तो वो लूट तो सकता है कमाई हुई दौलत, वो छीन नहीं सकता है तकदीर हमारी। मैं बेवकूफ जो तेरे सिवा किसी की नहीं, तू अक्लमंद तेरी सब पे मेहरबानी। मैं बेवकूफ जो तेरे सिवा किसी की नहीं, तू अक्लमंद तेरी सब पे मेहरबानी है। और सुने के इसीलिए तो बड़ी सादगी है लहजे में, इसीलिए तो बड़ी सादगी है लहजे में। ये नगमा नूर जो लड़की है खानदानी है। फैसी नज़ा साहब हर समय शानदार कार्यक्रम कराते हैं, और ऐसे कार्यक्रम जो जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी इस समय। मैं दो छोटी छोटी कविताएं और दो एक छोटी गजलों के शेर सुनाऊंगा आपको। कविता का शीर्षक है तुम मेरी नाभि में बसो। सोमा जी से रिक्वेस्ट की थी कि मेरी कविता सुने बगैर नहीं जाएंगे, बहुत खुशी हुई कि सुन रहे हैं। सांस की तरह जरूरी, कंधों की तरह मजबूत, पांव की तरह यायावर, जल्दों की तरह बदलने वाले, ओ मेरे चूकते खोते अपरिचित होते जाते धूमिल विश्वास तुम लौटो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सांस की तरह जरूरी, कंधों की तरह मजबूत, पांव की तरह यायावर, जिल्दों की तरह बदलने वाले, ओ मेरे चूकते कोते अपरिचित होते जाते धूमिल विश्वास तुम लौटो। तुम लौटो कि बहुत से काम अधूरे हैं, जन्मने हैं बहुत से, करनी है बहुत सी बातें, झिझकते अवरुद्ध होते गले से, किन्हीं हथेलियों पर मेहंदी की तरह सजना है, एक इलायची अदरक की चाय पीनी है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। किसी के लिए आंधी की तरह उड़ना है, कटना है किसी की छत से एक पतंग की तरह। क्या बात है भाई। एक फबती की तरह उछलना है सहसा किन्हीं पहचाने होठों से, और इस उम्र की बेहिसाब रुई को किसी तकली में कतना है। अंत में एक विदा के हाथ की तरह हिलना है बड़ी देर तक, आंसू की तरह सूख जाना है गिरकर आंख से। तुम मेरी नाभि में बसो कस्तूरी की तरह, ओ मेरे विश्वास। तुम मेरी नाभि में बसो कस्तूरी की तरह, ओ मेरे विश्वास। तितली की तरह रंगीन विश्वास, धूप की तरह उजले, रंभाती गाय की तरह बेचैन, भरे हुए थनों की तरह दुहे जाने को आतुर। क्या बात है, मेरे विश्वास। खंडित होते विश्वास, निर्वासित होते जाते दंडित विश्वास, तुम लौटो। ये कविता छोटी सी कविता, और मुझे इजाजी ने कहा था कि शायद आपको कविता पढ़ने के लिए मैं कह सकता हूँ, और उन कविताओं में देखिएगा बहुत तत्सम संस्कृत के शब्द ज्यादा ना हो, बड़ी आसान सी कविता है जो है, क्योंकि मेरी कविताओं में ज्यादा जो है वो तत्सम शब्द आ जाते हैं, तो जो सबसे आसान समझे लेगा वो दो छोटी कविताएं आपके लिए। तलाश है मुझे, तलाश है उस घर की, मुझे तलाश है उस घर की, लिखा हो जिसके दीवार पर यहाँ हिंसा नहीं द्वेष नहीं सिर्फ प्रेम है। यहाँ हिंसा नहीं द्वेष नहीं सिर्फ प्रेम है, मुझे तलाश है उस घर की, लिखा हो जिसके द्वार पर हम सब रहते हैं यहाँ साथ साथ। मुझे तलाश है उस घर की, लिखा हो जिसके छत पर मनुष्य से प्रेम है हमें, इसलिए ईश्वर भी हमसे प्रेम करते हैं। मुझे तलाश है उस घर की, लिखा हो जिसके आंगन में, स्वर्ग अगर है कहीं तो वो यही है,
मुझे तलाश है आज भी कहीं किसी मोड़ पर मिल जाएगा वो घर मुझे। शुक्रिया। और एक बहुत छोटी सी कविता, सच और झूठ, तुम सच मैं सच, तुम सच मैं सच, चाहना सच पाना भी सच, दिन सच रात भी सच, विज्ञान सच रोबोट भी सच, यंत्र सच यांत्रिकता सच, फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर एसएमएस एमएमएस सब सच। इतनी सारी सच्चाइयों के बीच, इतनी सारी सच्चाइयों के बीच केवल तीन चीजें आज झूठी पड़ गई है, संबंध आवेग और प्यार। अक्सर जो बहुत आम घरों में आम जिंदगी जीती औरतें हैं, कई बार उनमें से कोई शायरा कोई कहानीकार हो सकता है, लेकिन अक्सर उसको वो मौका नहीं मिलता। उसके दिमाग में कई कई ख्याल आते हैं, लेकिन दिन भर के कामों में उसे शायद वो सब वो भूल जाती है, वो याद नहीं रहता, कई बार वो उसे लिख नहीं पाती। तो कैसा होता है उसके मन का जो है, बस वो मैं यहाँ बयां कर रही हूँ। कविता का शीर्षक है अधूरी कविता। कितनी कविताएं रसोई के ताक पर रखे डिब्बों के बीच प्राण त्याग देती है। कितनी कविताएं रसोई के ताक पर रखे डिब्बों के बीच प्राण त्याग देती है, हांफती दौड़ती उस आम औरत को जो व्यस्त है इस वक्त पूरियां तलने में। जब गढ़ती है शब्द कितने ही, जब गढ़ती है शब्द कितने ही, दो हाथ हल्दी के रंग से रंग जाते हैं, दो हाथ हल्दी के रंग से रंग जाते हैं, कलम उठाने को छटपटाती उंगलियां सब्जी काटने में हो जाती है व्यस्त, या फिर कुशलता के साथ गूंथती है आटा, मन में उठते बुलबुलों की तरह सुंदर कोमल शब्द, मन में उठते बुलबुलों की तरह सुंदर कोमल शब्द मसालों के पेट के पेस्ट के साथ घिस जाते हैं। मसालों के पेस्ट के साथ घिस जाते हैं। दाल सब्जी बनाती अस्थिर चित औरत हैरान परेशान पर सृजन की अकुलाहट में छटपटाती सोचती है, कैसा होगा मेरी कविता का अंत, कैसा होगा मेरी कविता का अंत। कविता में मन, मन में कविता, कविता में मन, मन में कविता, फिर भी फ्रिज खोल टमाटर निकालते निकालते अचानक टटोल कर देखती है, अचानक टटोल कर देखती है न जाने कब सारे चुने हुए एक से एक बेशकीमती शब्द मन से फिसल कर फ्रिज में रखे दही के बर्तन में जम चुके थे। फ्रिज में रखे दही के बर्तन में जम चुके थे सारे चुने हुए एक से कीमती शब्द मन से फिसल कर। और जब देखो तब, और जब देखो तब, इसी तरह रात दिन दिन रात एक पूरी कविता गढ़ने की चाह में वो खुद ही एक अधूरी कविता बन जी रही थी। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आप सबका।